हे हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी देखो सबसे पहले एक चीज़ मैंने आपको पहले भी चीज़ बोली थी अभी आप लोगों का के का जो तो नोटिफिकेशन निकला है ठीक है देखो ये पैटर्न तो इस बार चेंज हुआ है आप लोगों का है ना मैंने KVS के के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो वीडियो बनाया था जब मैंने इस चैनल को स्टार्ट करा था तब मैंने बेसिकली वीडियो उन वीडियोज़ को बनाया था ठीक है तो मुझे नहीं पता था लिटरली कि पैटर्न चेंज हो जाएगा इस बार है ना तो मैंने वो जो लाइक अभी तक जो पैटर्न चलता आ रहा था उसके रिगार्डिंग मैंने वो वीडियो बनाया था तो उस पर हमने लिखा था कि केवीएस का लाइक न्यू पैटर्न 2022 है ना तो क्योंकि ऐसी कोई संभावनाएं थी भी नहीं कि यार मतलब बिल्कुल इस बार एकदम से लोग चेंज करेंगे है ना क्योंकि होता है कि वही पैटर्न सब चलता आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग हमने शॉर्ट्स बनाए थे जो कि आपके पी आर पीजीटी और टीजीटी तीनों के लिए थे है ना और उनपे व्यूज़ भी अगर मैं व्यूज़ की बात करती हूँ ठीक है तो देखो व्यूज़ भी बहुत अच्छे खासे थे उनपे है ना फिफ्टी टू के सिक्सटी के लाइक इतने के के में उससे व्यूज़ चले गए हैं तो लेकिन मैं देखो एक और चीज आपको बता दूं अभी क्या हुआ अचानक से जो पैटर्न है वो पूरा चेंज कर दिया है ना और उसके रिगार्डिंग मैंने न्यू वीडियोस भी अपलोड कर दिया है क्योंकि पहले आपका 150 वाला था अब वा आपका 180 वाला है एक तो मैं आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले तो मैं आपसे ये अपील करना चाहूंगी और ये बोलना चाहूंगी कि भाई देखो जिसने भी वो वीडियोज अगर मेरी अब देख रहे हो ना इन वीडियोज को तो सबसे पहले आप जो भी कोई वीडियो देखा करो ना तो प्लीज या तो आप उसका एक डेट चेक कर लिया करो कि ये वीडियो कब पब्लिश करी गई है कब इस वीडियो को अपलोड किया गया है ना इससे ये चीज होगी कि इससे आपका कोई लॉस नहीं होगा

हमने थोड़ी ना करा है अपना पैटर्न चेंज भाई हमने तो पुराने उस पर वीडियोज़ जो चलता आ रहा है वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी थी है ना अब पैटर्न चेंज हो गया तो लेकिन कोई बात नहीं पैटर्न चेंज भी हुआ तो भी हमने उसके लिए एक न्यू वीडियो बना दी है हमने पी आर टी पी जी टी सबके लिए वीडियोज बना दिए हैं शॉर्ट्स ठीक है और लॉन्ग में भी बना दिए तो आप लोग उन न्यू वीडियोज़ को वॉच कीजिए अभी क्या हो रहा है इतने सारे कॉमेंट्स ऐसे मतलब ठीक है जब तक पहले तक आ रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी अब जो कॉमेंट्स आ रहे हैं उन वीडियोज़ को देख के लाइक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है ना अभी ये कोई है मैडम रिंकी जी रिंकी शर्मा जी तो ये ये तो तो पता नहीं क्या उन्होंने लाइक पहली जो मेरी वीडियोस थी उस पर भी उन्होंने यही सब नेगेटिव कमेंट ठीक है कि आप व्यूज के लिए कर रहे हो ये कर रहे हो वो कर रहे हो है ना अभी भी ये फिर से वही सब चीजें कर रही हैं कि पढ़ के आ जाया करो ये कर लिया करो तो ये चीज़ मैं आपको बोलना चाहूंगी देखो अगर आप ऐसी पुरानी पुरानी वीडियोज़ उठा के देखोगे ना है ना बिना उसकी डेट देखे या कुछ देखे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी या तो आप ये चीज़ देख लीजिए बट देखो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी मैं काम करती हूँ क्योंकि आई डोंट वॉन्ट देखो अगर व्यूज़ के लिए मैं अगेन बोल रही हूँ अगर व्यूज़ के लिए मुझे काम करना होता तो अपनी खुद की परीक्षाओं के बीच में से टाइम निकाल के मैं ये चीज़ आप लोगों को अपडेट नहीं करती किसी भी चीज़ के लिए आप लोगों के लिए जो भी आपके वेलफेयर के लिए या के लिए मैं कर रही हूँ मैं वो सब नहीं करती ठीक है अगर व्यूज़ के लिए मुझे करना होता व्यूज के लिए अगर मुझे करना होता तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं कर सकती थी अगर व्यूज वाली बात आती है तो और अगर व्यूज के लिए करना होता तो मैं आज इन वीडियोज को डिलीट भी ना करती ठीक है सो आई डिसाइडेड कि भैया जिन्होंने भी वो पुरानी वाली वीडियोस देखी है प्लीज उनको ना देख के न्यू वाले पैटर्न पर देख लो और अभी जो आप लोग के कमेंट्स सब आ भी रहे हैं ना स्टूडेंट वीडियो पे मैं हर किसी को यही बात बोल रही हूँ मैं उनका रिप्लाई तो कर रही हूँ जो वो डाउट पूछ रहे हैं लेकिन साथ में मैं उनसे ये भी बोलती जा रही हूँ कि प्लीज़ आप न्यू वीडियोज़ ना देखें आप ओल्ड वीडियो सॉरी आप ओल्ड वीडियो ना देखें आप न्यू वीडियोज़ को वॉच करें ताकि आपका लॉस ना हो है ना वरना आप लोग कॉमेंट सेक्शन में भी सारी चीज़ें यही मैं मतलब बोलती आ रही हूँ इतने दिन से दो तीन दिन से लगातार एक ही चीज़ मैं बोल रही हूँ सो नाउ आई डिसाइडेड ये वीडियोज आप लोग देख लीजिए स्क्रीन वाली अगर शायद हो सकता है आप में से भी बहुत ने वीडियोज देखी होंगी पहले देखी होंगी अब ना देखी हो सकता है अब देखी होंगी तो इन वीडियोस को मैं आई डिसाइडेड कि पी आर एंड टी तीनों वीडियोस को मैं शॉर्ट्स वाली डिलीट कर रही हूँ अगर व्यूज़ के लिए होता तो बहुत अच्छे खासे व्यूज़ इन वीडियोस पे हैं बट मुझे व्यूज़ से कोई मतलब नहीं है मुझे बस मतलब है कि आप लोगों को कोई भी लाइक uh, प्रॉब्लम like नहीं होनी चाहिए आप लोगों का लॉस नहीं होना चाहिए आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और यही मेरे चैनल का मेन एम है बस इसी उद्देश्य से मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा था कि जितना होगा मैं एस्परेंट्स वेलफेयर के लिए वर्क करूँगी ठीक है जो चीज़ें होंगी मैं आप लोग को अपडेट करूँगी स्ट्रेटजी प्रिपरेशन कोई भी चीज़ है किसी भी तरह की मोटिवेशन बूस्टिंग ईच एंड एवरी थिंग ठीक है मतलब आई विल बी ऑलवेज फॉर यू इसी तरीके से तो आ, ये सब चीजें आप लोग जो बोल देते हो इतने इजीली तरीके से है ना बिना ऐसी बात नहीं है बहुत सारे स्प्रेंट्स सा आए उन्होंने इस चीज़ को नॉर्मल तरीके से पूछा भी कि मैम ये तो ऐसे ठीक है मैंने उनको बताया बट एक तरीका होता है थोड़ा सा काम तरीके से तो मैं यही बोलूंगी यार एक तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे है ना और दूसरा मैंने ऐसा कभी किसी को नहीं बोला भैया ये ऐसे कोई वर्ड्स मैं यूज नहीं करती हूँ ना मैंने करे हैं कोई भी ऐसी चीज़ें सो so, बहुत आराम तरीके से मैं अपनी रिप्लाईज कर